नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड में यदि आप लोगों ने अपने पैसे को निवेश किया है या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड में जो वसूली का कार्य है लगातार तेजी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कि ईओडब्ल्यू ने जो है यहाँ पर शिकंजा कसा है, किसके ऊपर शिकंजा कसा है, और ईओडब्ल्यू ने जो है बकायदा एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज की है कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ। तो ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों कि यस बैंक फ्रॉड केस में ईओडब्ल्यू ने जो है यहाँ पर फाइल्स एफआईआर फाइल्स की है कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ। 523 करोड़ का चीटिंग का मामला है दोस्तों, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड में चीटिंग का मामला काफ़ी ज़ोरों से इतना ज़्यादा चीटिंग हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना इसका मार्केट कैपिटल है उससे ज़्यादा तो इसमें फ्रॉड हुए हैं। तो यस बैंक लिमिटेड के लोन केस में जो है यहाँ पर कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ जो है ईओडब्ल्यू ने 523 करोड़ का एफआईआर दर्ज किया है। अब ईओडब्ल्यू क्या होता है ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ईओडब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑप्शंस विंग्स। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन विंग्स ने यहाँ पर मुंबई पुलिस की सहायता से यहाँ पर कॉक्स एंड किंग्स के जो एम्प्लाई हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है 523 करोड़ का धोखाधड़ी का मामला कि धोखाधड़ी के मामले में जो है यहाँ पर लीगल एक्शन लेते हुए इन लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इसके जितने भी डिफाल्टर हैं धीरे धीरे जो है सामने नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल फ्रॉड में अनिल धीरूभाई अंबानी के अलावा ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ईओडब्ल्यू ने जो आज केस दर्ज किया है कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ आप देखें तो अराउंड 2000 करोड़ से ऊपर का जो है मामला है। इससे पहले जो है ईओडब्ल्यू से पहले जो है सीबीआई और ईडी की टीम ने भी इससे पहले 6 बार जो है एफआईआर दर्ज कर चुकी है, और ये 7वीं बार ऐसा है जो कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। कॉक्स एंड किंग्स के जो प्रॉपर्टी है उसको ऑलरेडी सील किया जा चुका है, और जो इकोनॉमिक्स जो ईओडब्ल्यू के कमिश्नर्स हैं मिस्टर निकेत कौशिक, उन्होंने कंफर्म कर दिया है इस चीज़ को लेकर कि इनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन चालू है और जल्द ही इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आप सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की जा रही है और ये जो वसूली का कार्य किया जा रहा है ईडी सीबीआई और ईओडब्ल्यू के द्वारा, ये कहीं ना कहीं यस बैंक लिमिटेड के फेवर में जाएगा। आपको बता दें कॉक्स एंड किंग्स के जो प्रमोटर थे मिस्टर अजय अजीत एवं उनकी वाइफ उर्शिला करकर, अनिल अग्रवाल एवं अन्य जो चीफ फाइनेंस अनिल खंडेवाल, क्योंकि इनका नाम पिछली बार भी आया था और इस बार भी ईओडब्ल्यू ने कंफर्म किया है कि इनका भी बहुत बड़ा रोल है यस बैंक लिमिटेड के फ्रॉड मामले में। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये जो प्रमोटर्स हैं और प्रमोटर्स के जो ग्रुप हैं इनके खिलाफ ऑडिट अकाउंट, इनकी जो अकाउंट्स हैं उनको सील किया जा चुका है, और इमरजेंसी केस में उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको कुर्क करके, उनको सेल करके, उनके एसेट को सेल करके जो है यहाँ पर पैसा वसूलने का काम जो है यस बैंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्य में जो है ईडी के अलावा सीबीआई, इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई भी सपोर्ट कर रही है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो इतना बड़ा अमाउंट है यदि ये आता है, क्योंकि आशीष जोशी के खिलाफ जो है फ्रेश एफआईआर फाइल किया गया है 523 करोड़ का, जो आशीष जोशी हैं इसके प्रमोटर्स इनके खिलाफ कंप्लेन किया गया है, नया मामला है 523 करोड़ का। लेकिन कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ यदि पूरी मामले को आप ध्यान से देखें तो तकरीबन 2000 करोड़ के करीब में ये लोन अमाउंट निकल के आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड यहाँ पर यस बैंक लिमिटेड में हुआ है राणा कपूर के टाइम, क्योंकि मिस्टर राणा कपूर यस बैंक लिमिटेड के जो फाउंडर एंड सीईओ थे उनके खिलाफ भी सेबी ने भी 1 करोड़ का फाइन लगाया था, और इसके खिलाफ उनकी जो लंदन की फ्लैट थे, लंदन की जो संपत्ति थी, दिल्ली में जो लाजपत नगर के पास जो उनका फ्लैट था ऑलरेडी सील किया जा चुका है।
तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं यस बैंक लिमिटेड उस रेस में शामिल होने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी बैंक की हालात नाजुक है। और आप ये सोचते हैं कि मैंने यस बैंक लिमिटेड में पैसे को निवेश करके बहुत बड़ी गलती की, तो आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, क्योंकि आपने जब यस बैंक लिमिटेड में पैसे को निवेश किया था तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई रणनीति के तहत ही आप लोगों ने पैसा निवेश किया होगा। ऐसा नहीं कि आप आँख मूंद के जो है यस बैंक लिमिटेड में किसी के कहने पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किए हैं। उसके पीछे आपका लॉजिक है, तो उस लॉजिक को समझिए। और मैं बार बार जब भी मैं आप डिमोटिवेट होते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, और यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड जब भी कोई न्यूज अपडेट होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका वीडियो बनाकर जो है आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो ये जो वसूली का कार्य है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि FIR और वसूली ये लगातार यस बैंक लिमिटेड का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि यस बैंक लिमिटेड के NPA को कम करना है, बैड लोन को कम करना है, तो लगातार वसूली जारी रखनी चाहिए और जारी हो भी रही है। अभी दो दिन पहले की न्यूज है, आप लोगों को पता भी होगा कि जो CG के चेयरमैन है मिस्टर गौतम थापर, उनके खिलाफ CBI ने भी यहाँ पर यस बैंक लोन मामले में जो है उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का जो है FIR दर्ज किया गया है गौतम थापर के ऊपर। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि गौतम थापर कौन है। ये CG लिमिटेड के चेयरमैन हैं और इनके खिलाफ CBI ने बकायदा FIR दर्ज किया है, क्योंकि CG पावर का भी इसमें हाथ है और गौतम थापर इसमें इन्वॉल्व हैं। गौतम थापर के अलावा अन्य लोग जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ 2435 करोड़ का फ्रॉड का मामला यहाँ पर आया है। तो आप देखिए कि यदि दोनों कंपनियों कॉक्स एंड किंग्स और ये जो कंपनी मैंने आपको बताया है CG लिमिटेड, यदि इनसे देखा जाए तो दोनों की जो रकम है 2435 करोड़ तो CG से है और 2000 समथिंग जो है कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ है। तो आप देखें तो 4435 करोड़ सिर्फ जो है इन दो कंपनियों से वसूलना बाकी है। तो यदि सफलता यस बैंक लिमिटेड इस वसूली वाले कार्य में हासिल कर लेता है तो फिर यस बैंक लिमिटेड आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड अब पहले जैसा यस बैंक लिमिटेड नहीं रहा। यस बैंक लिमिटेड लगातार अपने आप को चेंज करने पर लगा हुआ है। यही कारण है कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो डील हुई थी उसको भी यहाँ पर यस बैंक लिमिटेड ने कैंसिल कर दिया है, और अन्य बैंकों की तरह भी जो है अपनी सर्विस को स्टॉप्स कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट 2018 में जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था और अभी इंडिया में पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं है। तो यस बैंक लिमिटेड उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है ताकि इसको कोई दिक्कत हो, और यस बैंक लिमिटेड लगातार अपने कोर वैल्यू पे काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड का इस समय मेन फोकस रिटेल और MSME बिजनेस के ऊपर है। और इसके जो MD एंड CEO अभी प्रेजेंट टाइम में है मिस्टर प्रशांत कुमार, जिनका जिक्र मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, ये लगातार बैंक की कोर वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, न कि बैंक पर ज़्यादा लोन लेकर एक्सपेंड करने का। यही कारण है कि इनका पहला रोल था कि कास्ट कटिंग को कम किया जाए और डिपॉजिट्स की संख्या में जो है बढ़ोतरी की जाए, यानी कि जब बैंक में डिपॉजिट्स आएंगे, जब बैंक में नए नए सेविंग्स अकाउंट ओपन होंगे, करंट अकाउंट ओपन होंगे, तो बैंक में पैसा जमा होगा, और जब बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक की एसेट मजबूत होगी और बैंक धीरे धीरे अपने उस लेवल को प्राप्त करेगा जिस लेवल पर आज से 3-4 साल पहले ये ट्रेड कर रहा था। बात करें शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में तो 0.37% के ग्रोथ के साथ जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी भी स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। और इसको लेकर यस बैंक लिमिटेड के जो निवेशक हैं, जिन्होंने यस बैंक लिमिटेड में अपना अमूल्य पैसा निवेश किया है, वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि यस बैंक लिमिटेड बढ़ क्यों नहीं रहा है, कितनी भी अच्छी न्यूज आए नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों। यस बैंक लिमिटेड बढ़ेगा लेकिन टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैंक अपने स्ट्रगल फेस में है। शुक्रवार के दिन 13.65 रुपये की क्लोजिंग के साथ यस बैंक लिमिटेड बंद हुआ, हालांकि बृहस्पतिवार को क्लोजिंग 13.60 रुपये पे हुई थी। और शुक्रवार के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यस बैंक लिमिटेड में 6,43,86,105 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 2,58,98,507 की क्वांटिटी में शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तकरीबन 40.22% के करीब में यस बैंक लिमिटेड में शुक्रवार के दिन शेयर की डिलीवरी उठाई गई है, और ये जो डिलीवरी उठाई जा रही है और ये जो छोटा छोटा अमाउंट निवेश किया जा रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस बात का पक्का प्रूफ है कि यस बैंक लिमिटेड अभी नहीं तो फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। तो यदि आप लोगों ने अपने पैसे को निवेश किया है तो अपना जो टाइम फ्रेम है उसको बड़ा कीजिए, आपका पैसा जरूर बनेगा।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। नए हैं जेके एडुटेक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेके एडुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यदि आपके पास कोई कमेंट है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।